हेलो डियर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दिया था कि कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो माना वाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 लिख लेते हैं। अब कॉस किधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई बराबर माइनस का 1/√2 पहले से है तो √2 रख लेते हैं। अब हमें ये अब माइनस को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, ओके। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1/√2 किसका मान होता है, 1/√2 कॉस में π/4 का मान होता है, और ये जो माइनस था वो माइनस को हम साथ में इसके लगा देते हैं। तो एक अब देखिए, अब हमें ये पता होना चाहिए, तुरंत हमें ये मालूम होना चाहिए क्या कि कॉस का मान किसके किसके बीच में बिलोंग करता है, तो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। अगर हम इस कॉस को यहाँ से काट दें तो वाई का मान किस में आ जाएगा, माइनस का π/4, जबकि कॉस का मान 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और हमें हमारा नंबर कट सकता है, ओके। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें ध्यान देना होगा। तो कॉस इनवर्स का जो मान होता है 0 से पाई के बीच में होता है, तो जबकि 0 से पाई के बीच में नहीं है तो हम क्या करेंगे, पाई से इसको घटा देंगे। तो अब कॉस कॉस से कैंसिल आउट कर देंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके एंगल में लिखा हुआ पाई माइनस का π/4, पाई माइनस का π/4। अब 4 किधर लाएंगे तो 4 में से पाई निकाल देंगे तो क्या हुआ, देखिए 4π माइनस का π/4 तो क्या हो जाएगा, 3π/4। अब उसके बाद देखिए, अब या फिर एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग क्या, वाई बराबर में 3π/4 बिलोंग बिटवीन 0 to π, ओके। यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि कोसेक इनवर्स रूट माइनस का √2 का मुख्य मान क्या है। तो वाई बराबर मान लेते हैं, तो वाई बराबर कोसेक इनवर्स माइनस का √2 लिख लेते हैं। अब कोसेक उधर लाते हैं तो कोसेक वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √2 पर से कोसेक वाई बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक अब हमें पता होना चाहिए कि कोस अब माइनस को भूल जाइए, तो कोसेक में √2 किसका मान होता है, तो कोसेक में √2 π/4 का मान होता है, और ये जो माइनस है उसके साथ में चिपक जाएगा। अब π/ क्या हो जाएगा, 4। अब कॉस कॉस कोसेक को कोसेक को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा मान, माइनस का π/4। और इससे पहले, इसको काटने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोसेक का मान किसकी किसकी बीच में बिलोंग करता है। तो कोसेक का जो मान, कोसेक इनवर्स का मान, तो कोसेक इनवर्स का मान माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, और जो हमारा मुख्य मान आ रहा है वो माइनस का π/4 आ रहा है। तो मतलब माइनस π/4 का मतलब 45 माइनस में वो भी, और हमें यहाँ पे दिया हो कि कोसेक इनवर्स का जो मान होता है माइनस π/2 का मतलब होता है माइनस का 90 से प्लस का 90 के बीच में, और जो हमारा आंसर आया है माइनस 45, क्या माइनस 45 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आ रहा है, तो कहेंगे कि हाँ, तो हमारा आंसर क्या है, वो करेक्ट है, ओके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।